एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन देखें तो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इस तरीके से दोस्तों इसको डिनोट किया जाता है। और अगर हम इसको ओपन करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि हमें वो ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ बनाने के लिए नंबर लाइन पे, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डोमेन की जब हम बात करेंगे और एक्स एक्सिस की बात करेंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और माइनस एक्स होगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी और नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से ये फंक्शन दोस्तों काम करता है। बट इस फंक्शन का जो मेन पर्पस है, जिसको मैं मॉड्यूलस बोलता हूँ, उसका उसका काम है और उसको रिप्रेजेंटेशन करने का जो बेसिकली तरीका है, वो ये है कि ये हमें डिस्टेंस बताता है। ये डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में दोस्तों ये डिस्टेंस बताता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। और डिस्टेंस जो है दोस्तों वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और अब हम ये देखते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है जो इसने बताया है, तो इसका मतलब इस पर साइन जो है एक्स का, उसका उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। तो इसका मतलब एक्स जो है, जो हमेशा पॉजिटिव है, वो कोई स्केलर क्वांटिटी की तरफ ही पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो एक एक स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ पर हम साइन को नहीं डिनोट करते हैं, तो ये डिस्टेंस बताने के काम आता है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं डिस्टेंस बताने में। तो अगर हम इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, और कोई भी दो पॉइंट दोस्तों अगर हम ले लेते हैं, लेट सपोज हमने ये दो पॉइंट ले लिए, और हम इस दो पॉइंट पे दोस्तों एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली दोस्तों, और ये हमारे दो पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, और यहाँ पर जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों वो हैं x1, y1, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों वो हैं x2 और y2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है दोस्तों, ये जो है इसको मैं बोल सकता हूँ डी, और यही नापा जाता है हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस फंक्शन से। तो डिस्टेंस जो है बेसिकली यहाँ पर अगर उसको हम नापे तो y2 - y1, x2 - x1 के फॉर्म में हम नाप सकते हैं। बट इसको बताने का तरीका ये है कि यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन की कोई वैल्यू नहीं है जब डिस्टेंस को हम बात करते हैं। आइए इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो ग्राफ के लिए हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों जब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर गौर करिए, ये जो ग्राफ है इसका, यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स के लिए, जो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स हैं उसके लिए भी दोस्तों फंक्शन की वाई की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की उसके लिए भी देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसको समझाने के लिए जो ये हमारा ये वाला जो फंक्शन था जो हमने ब्रेक किया था, हम एक बेसिकली एक टेबल बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी इसको बताने में कि इसकी वैल्यूज किस तरह से वेरी करती हैं। तो इस टेबल में दोस्तों हम सबसे पहले ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम वैल्यूज ऑफ एक्स, और यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यूज ऑफ वाई, और दोस्तों ये चीज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स 0, तो दोस्तों 0 लेंगे तो यहाँ पर एक्स के लिए 0 डालेंगे तो वाई भी 0 मिलेगा। फिर हम ले लेते हैं दोस्तों वैल्यू 1, पॉजिटिव 1, तो जब हम पॉजिटिव 1 देख रहे हैं दोस्तों, तो एक्स भी देखिए ग्रेटर देन 0 हो गया, और हमें दोस्तों इसने पॉजिटिव 1 ही दिया। उसके बाद हम लेते हैं दोस्तों नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 में देखिए यहाँ पर जब हमने नेगेटिव डाला तो यहाँ पर हमें फिर से पॉजिटिव मिला, क्योंकि जब हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ऐसे ही सेम अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ 2 मिलेगा, और -2 की बात करें तो दोस्तों फिर भी हमें 2 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि अगर इसको कोऑर्डिनेट पे ड्राइव करें तो दोस्तों एक तो पॉइंट इसका ये हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया -1 0, ये भी एप्लीकेबल है यहाँ पर, ये -1 और 1 है ये भी एप्लीकेबल है। 2 की बात करें तो दोस्तों 2 भी यहाँ पर देखिए क्लियरली एप्लीकेबल हो रहा है, ये टू टू पॉइंट हो गया इसका। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों -2 और 2, ये भी दोस्तों एप्लीकेबल है, और इस तरह से सो ऑन अगर हम ऑन निकालते जाएं तो सारे के सारे पॉइंट इस पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, और ये एक वी शेप का ग्राफ हमें देता है। इसको हम इवन फंक्शन ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वाई एक्सिस पे दोनों तरफ पैरेलल सिस्टम बनाता है, पैरेलल चीज़ें बनाता है और एक दूसरे का रिफ्लेक्शन देता है वाई एक्सिस पे। तो इसको हम इवन फंक्शन ग्राफ भी बोलते हैं, इवन फंक्शन ग्राफ।
इस तरीके से दोस्तों ये इसका एक ग्राफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो काम करता है। अब एक डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं इसकी, वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डोमेन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके डोमेन में एक्स की सारी वैल्यू के लिए ये काम करता है, तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हम रेंज की बात करते हैं दोस्तों, रेंज जो है इसकी वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो रेंज जो डिफाइंड है दोस्तों, वो पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है रेंज एंड डोमेन का। आइए देखते हैं उसके और कुछ ग्राफ्स, किस तरीके से ग्राफ शिफ्ट मारता है और हमें क्या क्या चीज़ें दोस्तों देखने को मिलती हैं इस फंक्शन में। तो दोस्तों इस ग्राफ में देखिए, ये एक बेसिक ग्राफ है एक फंक्शन का, जो कि एक बेसिक फंक्शन हम इस तरह से लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। दोस्तों ये इसका ग्राफ है। अब आइए हम देखते हैं एक और फंक्शन का ग्राफ। हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस फोर। दोस्तों ये इस मॉड्यूलस के अंदर ही ये है टोटल फंक्शन। आइए इसका ग्राफ एक बारी बना लेते हैं, बट ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले इसकी एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम जीरो डालते हैं एक्स में, तो हमें जीरो डालते हैं एक्स में, तो दोस्तों हमें यहाँ पर वाई में माइनस फोर ऑफ मॉड्यूलस मिलता है, जो कि हमें अल्टीमेटली फोर कहलाता है, क्योंकि माइनस फोर का मॉड्यूलस फोर ही होता है। अगर हम फोर रखते हैं एक्स में, तो फोर माइनस फोर जीरो हो जाता है। इस तरीके से वैल्यू मिलती है हमें। हम एक्स को वन रखेंगे तो माइनस ऑफ थ्री मिलेगा, तो थ्री हो जाएगा अल्टीमेटली। हम एक्स को टू रखेंगे तो माइनस टू मिलेगा, वो टू बन जाएगा। थ्री रखेंगे तो माइनस वन मिलेगा, तो वो वन बनेगा। फिर हम फाइव रखेंगे दोस्तों तो पॉजिटिव वन मिलेगा, तो हम उसको वन लिख देंगे एज इट इज। फिर टू रखेंगे, सिक्स रखेंगे दोस्तों तो उसको लिए हमें टू मिलेगा, सिक्स माइनस फोर टू होता है। अब जब हम फिर माइनस वैल्यूज लेंगे, माइनस वन लेते हैं दोस्तों, तो फिर हमें माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव मिलता है, इसको हम प्लस फाइव लेंगे क्योंकि मॉड्यूलस है। फिर हम देखते हैं माइनस टू के लिए हमें सिक्स मिल रहा है, और दोस्तों माइनस थ्री के लिए माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन बना के हमें प्लस सेवन का रिजल्ट यहाँ पर देगा। दोस्तों इस फंक्शन का जो ग्राफ है, अब हम वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे अब हम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसके लिए हम सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों इसमें, वो एक्स इक्वल टू जीरो वाई फोर है, तो ये दोस्तों पॉइंट है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू फोर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है। एक्स फोर वाई जीरो दोस्तों यहाँ आता है, तो ये इसका एक 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 वर्टेक्स कहलाएगा। एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू थ्री आता है दोस्तों, वो यहाँ कहलाएगा कहीं ना कहीं। एक्स इक्वल टू 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 आ रहा है, वो यहाँ पर होगा दोस्तों। एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू वन दोस्तों, वो यहाँ कहलाएगा। एक्स इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू वन, वो यहाँ पर होगा दोस्तों। एक्स इक्वल टू सिक्स वाई इक्वल टू टू दोस्तों, वो यहाँ होगा। एक्स इक्वल टू माइनस वन वाई इक्वल टू फाइव दोस्तों, वो यहाँ होगा, क्योंकि ग्राफ लेफ्ट हैंड की तरफ भी मूव करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, माइनस टू से सेवन दोस्तों यहाँ आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी दोस्तों, ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर चढ़ जाएगा ग्राफ इसका, इस तरीके से चढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये इसका एक बेसिक ग्राफ बन गया है, जिसमें हम ये बता पा रहे हैं कि दोस्तों कि किस तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन अगर नेगेटिव हो यहाँ पे, मतलब कि उसके अंदर एक्स माइनस फोर जैसी कोई चीज़ हो जो कांस्टेंट है, वो माइनस हो रहा हो, तो वो ग्राफ किस तरीके से शिफ्ट मारेगा। तो दोस्तों वो यहाँ से, दोस्तों देखिए वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट मारा है, और यहाँ से दोस्तों वो यहाँ शिफ्ट मारा है, और इसका जो वर्टेक्स था वो यहाँ से यहाँ उसने एक शिफ्ट मारा है। और ये जो फंक्शन है दोस्तों, इसका एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है इक्वल टू एक्स माइनस फोर है दोस्तों। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन ग्राफ किस किस डायरेक्शन में शिफ्ट मारेगा अगर हम उसमें नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट डाल दें उसके एक्स पार्ट में और डोमेन पार्ट में। अगर हम दोस्तों यही चीज़ इसके पॉजिटिव साइड में देखें, अगर हम इसको एक्स प्लस फोर देखें, तो किस तरह से ग्राफ बनता है आइए एक बार देख लेते हैं। इसको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर का ये ग्राफ है दोस्तों। इसका सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, काफ़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए।
तो जब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 0, y मेरे को 4 मिलेगा, x इक्वल टू -4, y 0 मिलेगा, x इक्वल टू 1, y 5 मिलेगा, पॉजिटिव 5 है, x इक्वल टू -1, y 3 मिलने वाला है, x इक्वल टू 2 रखेंगे, y 6 मिलेगा, -2 रखेंगे तो दोस्तों 2 मुझे मिल रहा है, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो मुझे 7 मिल रहा है, x इक्वल टू -3 रखेंगे तो दोस्तों 1 मिल रहा है, x इक्वल टू -5 रखेंगे तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है। हमेशा यहाँ देखिए, y को हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही मिली है, जैसे कि यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू मिली है, तो हमेशा y पॉजिटिव सेंस में ही काम करेगा। आइए इसको डोनेट कर ले डिनोट कर लेते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं दोस्तों, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 आ रहा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट है दोस्तों, सेम पॉइंट है जो उसमें भी आया था, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0, एक पॉइंट दोस्तों ये है, तो ये इसका वर्टेक्स बन जाएगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला तो लाइन हमें मिल चुका है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3 आ रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6 आ रहा है, ये यहाँ पर ही इसी का पॉइंट बनाया जा रहा है। ये x इक्वल टू -3 देखते हैं एक बार, आगे -5 देखते हैं, तो यहाँ पर मुझे 1 मिला, तो एक पॉइंट मुझे मिला जो मुझे इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसके बाद x इक्वल टू -3 देखें तो वो भी मुझे 1 दे रहा है, वो भी इस तरफ ही जा रहा है, x इक्वल टू 3 देखें तो वो 7 मिलेगा। तो सारे पॉइंट दोस्तों इसी तरफ से मुझे लेके जा रहे हैं, बट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इस पॉइंट्स को बेसिकली किस तरह कंसिडर करता हूँ वो एक देखने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो हम यहाँ पर एक सिंपल लाइन बना सकते हैं इस फॉर्म में, ये यहाँ की लाइन हो गई दोस्तों, और ये वाली जो लाइन है वो इस तरीके से आ गई, वो इस तरीके से आ गई, यहाँ पे ये चीज आ गई, और हम ये देख पा रहे हैं कि ग्राफ दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए, ये परफेक्टली ये ग्राफ बना है। तो हम ये कह पा रहे हैं कि अगर ये जो फंक्शन है, ये f(x) = ये वाला जो फंक्शन है दोस्तों, वो f(x) = x-+4 आएगा, और यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं ये जो शिफ्ट मारा है ये x+4 में मारा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाला जो शिफ्ट आया है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये भी x+4 की वजह से ही आया है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई, वर्टेक्स में भी शिफ्ट आया, अगर x+4 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, और x-4 होगा तो दोस्तों वो राइट हैंड साइड में मूव करेगा। इस तरीके से हम इस ग्राफ की शिफ्टिंग देख सकते हैं, और हम इस टॉपिक को भी बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए दोस्तों और कुछ शिफ्ट देखते हैं इसमें किस तरीके से काम करती हैं, और आइए आपको दिखाते हैं। और दोस्तों उसको समझने से पहले एक फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन हम यहां पर ले रहे हैं f(x) = x-4 का मॉड्यूलस, और फिर -4 भी हमने कर दिया दोस्तों। इस फंक्शन का मतलब आपको बता दूं क्या है, कि यहाँ पर इसके अंदर भी चेंजेस हैं मॉड्यूलस के अंदर, और यहाँ पर हमने टोटल फंक्शन में -4 भी लिया है। इसको हम अपने वही पुराने सिस्टम की तरीके से एक बारी टेबल बना के ड्रॉ करते हैं, और फिर देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमें रियलाइज हो रही हैं। ये हमने एक टेबल बना ली दोस्तों, यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ले लिए। अब हम देखते हैं जब हम x 0 रखते हैं तो हमें यहाँ पर -4 मिलता है, और वो बाहर आके मॉड्यूलस से बाहर आके +4 बन जाता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखिए तो y = 0 आ रहा है, तो कि हमें एक पॉइंट मिला है, इसका मतलब जो ओरिजिन है वो इसका एक पॉइंट है। फिर देखें तो दोस्तों x = 4 अगर हम रखते हैं तो y मुझे -4 मिलता है, तो बिकॉज 4 में से 4 गया 0, -4 जो बाहर था वही रह गया। इसके बाद हम देखें दोस्तों 3 मिला, 3 मैंने अगर डाला x की जगह तो 3 -4 -1 मिला, उसको मैंने मॉड्यूलस किया तो 1 मिला, 1 में से -4 किया तो दोस्तों -3 मुझे यहाँ पर मिला। तो इस तरीके से हम अगर इसका कुछ सिस्टम ड्रॉ करें, और एक दो पॉइंट और ले लेते हैं दोस्तों, x = अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 -4 4 बना, 4 -4 दोस्तों वो भी 0 मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। आइए हम इसके पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, x 0 y 0 यहाँ पर आ रहा है, x 4 x 4 y -4 दोस्तों y -4 यहाँ पे, x 4 यहाँ पे आ रहा है,
तो ये एक पॉइंट हो जाएगा इसका। उसके बाद x3 y-3 y-3 एंड x3 यहाँ पर आएगा दोस्तों, इस तरीके से हम देखें तो। उसके बाद हम देखें दोस्तों तो x=8 y=0 दोस्तों, यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक सिस्टम में। तो जब हम इसको ड्रॉ करने निकले तो दोस्तों यहाँ पर ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ पर आके ये वर्टेक्स बन जाएगा और यहाँ से ये इस तरीके से आगे जाएगा ग्राफ और यहाँ मूव कर जाएगा। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली ये जो फंक्शन है f(x=x-4-4) इसका दोस्तों ग्राफ है। और यहाँ पर ये ग्राफ अगर मैंने -4 लिया है तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट मारा है, क्योंकि सबसे पहले ये देखते हैं -4 अगर मैंने यहाँ लिया है दोस्तों x-4, तो ओरिजिन यहाँ से उठ के कोऑर्डिनेट सिस्टम से उठ के यहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था, उसने यहाँ ट्रेवल किया था, फिर -4 मारा है मैंने जब इसको में, तो दोस्तों वो यहाँ से उठ के -4 यहाँ शिफ्ट कर गया था। तो ये जो पॉइंट है ये है 4-4 और ये इसका ओरिजिन है। तो वो दोस्तों यहाँ से दिख भी रहा है कि कौन कौन से पॉइंट ओरिजिन बना रहे हैं और कहाँ आके इसकी वर्टेक्स लाई करती है। तो ये जो डिस्टेंस ने ट्रेवल किया वो 4-4 की तरफ ये शिफ्ट मार गया। अगर हम इस ग्राफ की ओरिजिनली बात करें तो दोस्तों ये ग्राफ मेरा ओरिजिनली जब था तो वो इस तरीके से था। ये मेरा जो ग्राफ था दोस्तों, ये मेरा एक्चुअली f(x=x) का ग्राफ था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ शिफ्ट लगा पहले, और इसका जो ओरिजिन था वो जो कि यहाँ पे था वो किस तरीके से यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि ये ग्राफ का जो फंक्शन है बेसिकली, अगर उसमें हम उसमें x-4 रखते हैं और टोटल फंक्शन में भी -4 करते हैं तो किस तरीके से शिफ्टिंग होती है। दोस्तों ये हुई एक शिफ्टिंग की बात। अगर हम एक और टाइप की शिफ्टिंग देखें, अगर हम इसके एम्पलीट्यूड में शिफ्ट करें, अगर हम इसकी एक्स की जो वैल्यू है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो जो बेसिकली पावर्स हैं उसको अगर हम शिफ्ट करें तो किस तरह से ग्राफ में चेंजेस आएंगे, एक और ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फंक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे y=2x। इसका मतलब जो मॉड्यूलस है वो 2 टाइम्स यहाँ बढ़ गया है। अगर मैं वाई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स की बात करूँ, उस फंक्शन की बात करूँ, तो उसका जो बेसिक ग्राफ है वो इस तरीके से आता है, हम लोग जानते हैं। तो सो ये जो फंक्शन है इसका जो बेसिक ग्राफ है वो है f(x=x). अब हमें ग्राफ बनाना है f(x=2 × (mod)(x). अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो इसके सबसे पहले पॉइंट्स ले लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसके हम पॉइंट बनाएंगे। तो एक्स एंड वाई से कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं दोस्तों, x=0 y=0 x1 रखूंगा तो वाई मुझे 2 मिलेगा क्योंकि 2 टाइम्स मॉड्यूलस हो गया है। x-1 रखूंगा दोस्तों, y=2 मुझे फिर भी 2 मिलने वाला है। इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। यहाँ पर ही आएगा दोस्तों इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम रहेगा, x=1 y=2 आ रहा है मेरे यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट हो गया दोस्तों यहाँ पर, ये दोस्तों एक पॉइंट आ गया। इसका एक बार हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, यहाँ से शुरू होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से आके जाता है। तो इसका मतलब अगर हम देखें, ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ इस फंक्शन का है y=2 × (x)। तो मैं यहाँ पर भी सेम कलर से लिख देता हूँ जिससे कुछ परेशानी ना हो, y=2 × (x) समझने में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा है कि ग्राफ ने यहाँ पे जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ा एक शिफ्ट मारा है ओरिजिन की तरफ, और ओरिजिन की तरफ ये ग्राफ दोस्तों मूव कर गया है। आइए देखते हैं एक और फंक्शन जिसका मैं ग्राफ आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो y=1/2 of x, x का 1/2 मैंने बना दिया, मतलब x का जो मॉड्यूलस है उसको हाफ कर दिया। इसको एक बारी एक्स वाई प्लेन पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लेके x=0 लेंगे y=0 मिलेगा, x=2 दोस्तों हम 1 लेंगे तो y मुझे 1/2 मिलेगा, x=-1 लेंगे तो दोस्तों y=1/2 ही मिलने वाला क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलेंगे। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली, इसको ड्रॉ करते हैं, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसके पॉइंट बनाते हैं दोस्तों। 0 0 तो सेम ही रह रहा है, 1 अगर हम x लेते हैं तो y की वैल्यू -1/2 आती है, तो 1/2 कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पर मुझे मिलेगा, सेम चीज़ मुझे यहाँ मिलेगी। इसका एक बार एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में अगर हम दोस्तों इसको देखें तो कुछ इस तरीके से ये जा रहा है, इस तरीके से ये जाना चाहता है।
ये दोस्तों निकल के आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको ड्रॉ किया, ये जो फंक्शन है इसको अगर हमने ड्रॉ किया, ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 ऑफ x, 1/2 ऑफ बेसिकली मॉड्यूलस x। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब मॉड्यूलस को हमने 1/2 किया, तो जो इसका सिस्टम है पूरा का पूरा, वो राइट की तरफ शिफ्ट माया मारा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ चला गया, जो कि हमें यहाँ पर भी दिखा। तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्राफ जो है वो शिफ्ट मारते हैं अपने आप में, और हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें वैल्यूज़ मिलने वाली हैं अगर हम उनको, उनके मॉड्यूलस को चेंज करें और उनके एम्पलीट्यूड को चेंज करें, या फिर हम उसके, जैसे हमने पीछे बताया कि हम उसकी बेसिकली डोमेन पार्ट को चेंज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी लंबा टॉपिक था, बट आपको काफ़ी गेन हुआ होगा इसमें। सो दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग, थैंक यू।